क्या आप जानते हैं कि 5000 साल पहले ब्रसगेर में एक अजीम तहजीब फलती फूलती थी क्या आपने कभी सोचा है कि इंडस वेली तहजीब के लोग कैसे रहते थे और उनके शहर कैसे बने थे क्या आप जानते हैं कि ये तहजीब इतनी तरक्की याफ्ता कैसे हुई और फिर जवाल पजीर क्यों हो गई आज हम इंडस वेली तहजीब के मुख्तलफ पहलुओं को जानेंगे उनकी मीशत तजारत मजहबी अकायद और तहरीरी निज़ाम की झलक देखेंगे और आखिर में उनके जवाल की कहानी सुनेंगे आइए इस तारीखी सफर का आगाज करते हैं इंदस इंदिसवीली तहजीब तकरीबन तीतीस सौ कबल मसीह में शुरू हुई और उन्नीस सौ कबल मसीह तक फलती फूलती रही ये तहज़ीब मौजूदा पाकिस्तान और शमाल मग़रबी भारत के इलाकों में दरियाए संध और उसके जीली दरियाओं के किनारे आबाद थी इस तहज़ीब का मरक़ हड़प्पा मोहनजोदाड़ो और चंद देगर अहम शहर थे इंडद सुवीली तहज़ीब की सबसे अहम खसूसियत उसकी तरक् याफ़्ता शहरी मनसूबा बंदी थी इस तहज़ीब के शहर बाकादा जाल की तरह बुच्छे हुए रास्तों पर मुश्तमिल थे जिन्हें मज़बूत ईंटों से बनाया गया था ये ईंटें युक्सा साइज की थीं और बड़ी महारत से तरतीब दी गई थीं शहरों में घरों की तामीर भी मनसूबाबंदी के साथ की गई थी हर घर में पानी की निकासी का निजाम मौजूद था जिससे पता चलता है कि सफाई और हिफान सेहत का खास ख्याल रखा जाता था मोहनजोदाड़ू के खंडरात में अज़ीम हमाम या इग्रेट बाथ की मौजूदगी इस तहजीब के लोगों के तरक् याफ़्ता और मुनज़म माशरती जिंदगी की निशानी है इंदस वेली तहजीब की माशरती जिंदगी भी बहुत मुनज़म थी यहाँ मुख्तलिफ तबके मौजूद थे जिनमें कारीगर ताजर किसान और हिकमरान शामिल थे कारीगर मुख्तलिफ हुनरमंद काम करते थे जैसे मुट्टी के बर्तन बनाना कपड़े बनाना और धात के ज्योरत तैयार करना ताजिर दौर दौर तक तिजारत करते थे वीली तहजीब के तिजारती निजाम का अंदाजा उनके महरों और मुख्तलिफ मकाम पर मिलने वाली इशिया से लगाया जा सकता है इन मेहरों पर जानवरों और दीगर उशकाल के साथ कुछ तहरीरी अलामत भी मिलती हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर समझी नहीं जा सकी वीली तहजीब का फन तामीर भी बेमिसाल था उन्होंने न सिर्फ़ मज़बूत इमारतें बनाएं बल्कि उनमें खूबसूरती और फनकारी का भी खास ख्याल रखा मोहनजो दाडू में मिलने वाले अजीम हमाम रहायशी मकानात और अवामी अमारात इस बात का सबूत हैं कि एंडिस वीली के लोग फ़न तमीर में माहिर थे एंटों की बाकायदा शक्ल और उनकी तरतीब से ये बात जाहिर होती है कि वो तामीरत में अली तकनीक इस्तेमाल करते थे ये इमारतें उनकी इल्मी तरक्की और तामीराती सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं इंडस वीली तहजीब की मीशत का दारोमदार ज्यादातर जिरात पर था यहाँ के लोग गंदम जो किपास और मुख्तलिफ सब्जियाँ अगाते थे जिराती पैदावार की बहतात और जख़ीरा करने के बेहतर इंतजाम से ये बात जाहिर होती है कि उनकी मीशत बहुत मज़बूत थी दरियाए संध के किनारे आबाद होने की वजह से यहाँ पानी की कमी नहीं थी और ज़रात के लिए बेहतरीन हालात मयसर थे उनके गोदाम और ज़ख़ीरा करने के निज़ाम से पता चलता है कि वो ज़रात में खुद कफील थे और इजाफ़ी पैदावार को जखीरा करने की सलाहियत रखते थे इंडसविली तहज़ीब की तजारत भी बहुत वसिया थी उनके तजारती रास्ते न सिर्फ बरसगीर के मुख्तलफ हिस्सों तक फैले हुए थे बल्कि वो दौर दराज मकाम जैसे मेसोपोटामिया, मौजूदा इराक़ तक भी तजारत करते थे इनके तजारती निज़ाम का अंदाज़ा मुख्तलिफ मकाम पर मिलने वाली इंडसवेली की महरों और दीगर अशिया से लगाया जा सकता है इन महरों पर जानवरों और दीगर इश्काल के साथ कुछ तहरीरी अलामत भी मिलती हैं जो अभी तक मुकम्मल तौर पर समझ ही नहीं जा सकें वीली तहजीब के लोग मजहबी रसूमत और इबादतों में भी दिलचस्पी रखते थे उनके मजहबी इतकदात और रसूमात के बारे में ज्यादा मालूम तो दस्तियाब नहीं मगर मुख्तलफ मकाम पर मिलने वाली मजहबी अशया और मूर्तियां उनके मजहबी अक़ायद की झलक पेश करती हैं देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मुख्तलिफ़ मजहबी निशानियाँ इस बात की निशानदही करती हैं कि वो मुख्तलिफ़ देवी देवताओं की पूजा करते थे उनके मज़हबी रसूमात और इबादत गाहों की बनावट से पता चलता है कि वो मजहबी मामला में बहुत संजीदा थे इंडस वेली तहजीब का तहरीरी नि़ाम भी बहुत दिलचस्प है अगरचा अभी तक उनकी तहरीरी इलामत को मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा सका मगर ये इलामात उनकी इलमी तरक्की और तहरीरी सलाहियतों की इक्सी करती हैं ये तहरीरी इलामत ज्यादातर महरों पर पाई जाती हैं जो कि तिजारती अशिया की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होती थीं। उन महरों पर जानवरों की तस्वीर और मुख्तलि इलामत नक्श थी जो उनकी तिजारती सरगर्मियों और इल्मी तरक्की की निशानदही करती हैं तकरीबन 1900 सौ कबल मसीह के बाद इंडिस वैली तहज़ीब का जवाल शुरू हो गया इस जवाल की वजूहत अभी तक मुकम्मल तौर पर वाजह नहीं हो सकें कुछ माहरीन का ख़याल है कि मौसमी तब्दीलियां दरियाए सिंध की धारा में तब्दीली और बिरूनी हमले उस जवाल का सबब बने ये तहजीब आहस्ता आहस्ता अपने अरूज से जवाल पुजीर हुई और आखिरकार ये अजीम तहजीब तारीख के उराक में दफन हो गई मगर उसके आसार आज भी हमें उसकी अजमत और तरक्की की याद दिलाते हैं इंद्स विली तहजीब न सिर्फ बरसगीर बल्कि दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है इसकी तरक्की याफ्ता शहरी बंदी मजबूत मीशत वसी तजारती निज़ाम और फ़न तामीर आज भी मुह़ीन और माहरीन को हैरान कर देते हैं ये तहज़ीब हमें ये सबक़ देती है कि क़दीम माशर्तें भी कितनी तरक् याफ़्ता और मुनज़म हो सकती थी इंडसवेली तहज़ीब के आसार हमें ये याद दिलाते हैं कि तारीख़ के उन अज़ीम इदवार को समझना और इनसे सीखना कितना अहम है हमारी उस तारीख़ी सफर में शामिल होने के लिए आपका इंडस इंडसवीली तहज़ीब की दास्तान हमें माजी की गहराइयों में ले जाती है और हमें इस अज़ीम तहज़ीब की अहमियत और उसकी तरक्की की याद दिलाती है